नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट जगत की दो बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। पहली खबर है कि सौरव गांगुली का रास्ता साफ हो गया है और दूसरी खबर है कि पैट कमिंस ने आईपीएल 2020 पर बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप आईपीएल 2020 को और सौरव गांगुली को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली खबर है कि पैट कमिंस ने आईपीएल 2020 पर दिया है बड़ा बयान। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की आयोजित किए जाने की खबरों के बीच ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भारतीय लीग के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। सिडनी में मीडिया से बातचीत करते हुए दौरान कमिंस ने कहा कि अगर इससे T20 विश्व कप रद्द होने से एक विंडो खुलता है तो मुझे लगता है कि IPL उसमें अच्छे से फिट होगा। कमिंस को उम्मीद है कि विश्व कप और इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलियाई दौरा तय शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, लेकिन अगर इन्हें रद्द भी किया जाता है तो T20 की वापसी से खेल को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपके पास दुनिया भर में उस टूर्नामेंट को देखने वाले लाखों और करोड़ों लोग हैं और क्रिकेट पर लगे लंबे ब्रेक के बाद ये और भी बढ़ेंगे। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से मैं इसे IPL का आयोजित होना पसंद करूँगा। सबसे अहम बात यह है कि एक महान टूर्नामेंट है। कमिंस ने कहा कि वो लगभग 10 हफ्ते के ब्रेक के बाद वापसी करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि मैं वापसी के लिए तैयार हूँ और अगले दौरे के लिए तैयार हूँ। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सौरव गांगुली का रास्ता साफ हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और इसी के साथ वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। मंगलवार को ICC के सदस्य बोर्ड के 2-3 बहुमत से यह साफ हो गया है कि शशांक मनोहर का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। ICC के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को होने वाले 28 बोर्ड की मीटिंग में यह फैसले की पुष्टि की जाएगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार पेपर्स को कल तैयार किए जाएंगे। BCCI के शीर्ष प्रशासक बोर्ड के डायरेक्टर से बातचीत करने के दौरान फोन पर व्यस्त थे। खबर के अनुसार यहां तक कि मनोहर का कार्यकाल बढ़ाने और जल्द से जल्द चुनाव कराने की वकालत करने के BCCI सबसे आगे था। दुनिया भर में क्रिकेट के लिए मुश्किल समय है। सभी जानते हैं कि खेल इस समय कई तरह के संघर्ष कर रहा है, वित्तीय रूप से कमजोर पड़ गया है। अगर क्रिकेट जल्दी से शुरू नहीं होता है तो कई बोर्ड कंगाली के कगार पर आ जाएंगे और इसे ध्यान में रखकर ICC नए प्रशासकों के खाते पर काम करने की तैयारी कर रही है। इस समय क्रिकेट जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हर बोर्ड की नज़र BCCI पर ही है कि वो मुश्किल समस्या से बाहर निकल सकता है। ऐसे में हर कोई तटस्थ अध्यक्ष के रूप में BCCI की तरफ से देख रहा है। इसके अलावा एक और फैसला इस पर भी लिया जा सकता है कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप का भारत की मेजबानी में होगा, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 2022 T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस साल कोई लाइव मैच न होने के कारण रेवेन्यू पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और ICC का रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट ये अधिकार से आता है। ऐसे में कोई गवर्निंग बॉडी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 2022 में अक्टूबर नवंबर में मेजबानी कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता हूं।